कोरोना वायरस कई देशों में फैल चुका है। भारत में इससे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में इस वायरस से लोगों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन जारी कर दिया है। वहीं अब राज्य सरकार ने इंदौर में देश का सबसे सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इंदौर में अब तक 32 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आज 8 नए मरीज आए सामने हैं, जिनमें 7 इंदौर और 1 उज्जैन का रहने वाला है। इस दौरान शहर में 1 अप्रैल तक राशन, सब्जी, दूध, डेयरी व अन्य किसी भी सामान की बिक्री नहीं होगी और न ही होम डिलीवरी मिलेगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप भी बंद रखे जाएंगे।